good morning, dear listeners. so, dear listeners, today we will continue our chapter 4, our dresses. and we have read that india is a colorful dresses, people wear different type of clothes. here, women wear skirt, jeans, sari, salwar, and men wear kurta, pajama, dhoti, etc. and in different places, people wear different type of clothes. in a, in a hot region, people wear cotton clothes and in a cold region people wear woolen clothes so yesterday we have discussed that in a uh, kashmir and himachal pradesh people wear thick woolen clothes to keep themselves warm and they the women wear scarves and men wear cap on their head to protect their head from the chilly wind and dresses of the men and women's are made up of different type of material like cotton silk wool nylon rayon etc the type of material people choose for their dresses depend upon the climate for example in a high temperature people wear cotton and linen fabrics and in a cold climate people ल्की एंड वुलन मटीरियल द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एंड एरिया ऑल्सो एफेक्ट आर ड्रेसिस सो जो कल्चर है जो ट्रेडिशन है किसी जगह का वो भी अफेक्ट करता है हमारे ड्रेसिस को कि हम किस तरीके की, की ड्रेसिस पहनेंगे

बुरका यू कैन सी ही विमेंस इन बुरका लेडीज है इन्होने क्या पहना हुआ है बुरका इट इज अ लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लॉक जो ये जो ड्रेस है ये कैसी है बहुत लंबी और काले कलर की ड्रेस होती है श्मीर मैन एज वेल एज़ विमन वेयर अ लूज़ लॉन्ग रोप नोन एज फेरन और जो अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ क्या देखेंगे जो मैन हैं और जो वीमेंस हैं उन्होंने क्या पहना है एक लंबा सा जो रग पहना हुआ है क्लोथ सूट पहना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं फेरन एज आई डिस्कडी आप देख सकते हैं कश्मीर में जो वुमेन्स है वो फेरन पहनती है और मैन भी फेरन पहनते हैं लंबा सूट होता है उसका पहना हुआ ठीक है नाउ द वीमन फ्रॉम आसमे मेखला चादर एंड राजस्थानी विमन्स वियर घाघरा चोली सो अगर आप आसाम में जाएंगे तो आप क्या देखोगे कि वहाँ की जो विमेंस उन्होंने क्या पहना हुआ है मेखला चादर जो वो क्लोथ्स पहनते हैं उन्हें क्या बोलती है मेखला चादर अगर आप राजस्थान जाएँगे तो आप क्या देखोगे वहाँ पर कि वीमन्स ने क्या पहना हुआ है घाघरा चोली यू कैन सी हियर राजस्थानी ड्रेस दिस इज़ घाघरा एंड चोली सो जो क्लाइमेट तो जो कल्चर है जो ट्रेडिशन है एरिया का वो भी ड्रेसिस को अफेक्ट करता है लाइक like हमने भी पढ़ा है कि हैदराबाद और लखनऊ में उनका कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है कि विमेंस जो है बुरका पहनेगी लॉन्ग ठीक है और अगर हम बात करें कश्मीर की वहाँ का कल्चर कैसा है कि वहाँ की जो वीमेंस होती है जो मैन होते हैं क्या पहनते हैं फेरन और आसाम की विमेंस है वो पहनती है मेखला चादर और जो राजस्थानी हैं वो क्या पहनते हैं घाघरा एंड चोली इन स्टेट लाइक राजस्थान गुजरात पंजाब एंड महाराष्ट्र मैन वियर अ सफा टर्बन टू प्रोटेक्ट दिय हेड्स फ्रॉम द हॉट सन अगर हम बात करें दूसरी स्टेट्स की जगहों की लाइक राजस्थान गुजरात पंजाब और महाराष्ट्र की तो वहाँ पर जो मैन है, वो क्या पहनते हैं सर के ऊपर सफ़ा टर्बन मीन्स पगड़ी और क्यों पहनते हैं ताकि वो अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सकें हॉट सन से इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर मैन वियर वुलन कैप इन विंटर एज़ आई एक्सप्लेन यू जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिमाचल प्रदेश और जो कश्मीर है वहाँ पर जो मैन है वो क्या पहनते हैं वुलन कैप्स कब पहनते हैं इन विंटर्स में विंटर्स में वो क्या पहनते हैं वुलन कैप्स जैसे कि हमने देखा ही ये है कि वी लिव इन हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बहुत से जो लोग हैं अपने सर के ऊपर एक टोपी पहन के रखते हैं जो कि कलरफुल होती है कुछ प्लेन होती है तो वो क्यों पहनते हैं ताकि वो अपने हेड को जो चिली विंड है उससे प्रोटेक्ट कर सके ना यू कैन सी इन हरियाणा देवियर प्लेन कॉटन टर्बन इन पंजाब देवियर कलरफुल टॉबंस इन वेस्ट बंगाल मैनवियर अ क्लोथ ऑन हीज हैड अपने सबके ऊपर एक कपड़ा रख देते हैं और राजस्थान में क्या है कलरफुल टर्बन पहनी जाती है तो बट वी हैव नोटिस हियर दीज आर द डिफरेंट स्टाइल ऑफ़ वेयरिंग टर्बन ये जो डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो है मैन जो है टर्बन पहनते हैं अलग अलग जगहों पर आप हरियाणा में देख रहे हो कैसे वो सिंपल तरीके से उन्होंने अपने सर को कवर किया हुआ है और पंजाब में उन्होंने अपने सर पे जो क्या है पग बांधी हुई है और वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक गमछे से कपड़े से कवर कर रखा है और राजस्थान की जो टर्बन होती है वो बहुत कलरफुल होती है और वो बहुत बड़ी भी होती है सो so, हमें क्या पता लगा यहाँ पर कि हम टर्बन्स पहनते हैं लेकिन डिफरेंट स्टेट में जो उनका स्टाइल है पहनने का वो भी डिफरेंट होता है इन टर्बंस को दीज डेज मोस्ट गर्ल्स कैन बी सीन इन सलवार कमीज़ चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट आपने देखा ही आज कल लड़कियाँ क्या पहनना पसंद करती हैं सलवार कमीज़ चूड़ीदार कुर्ता एंड जीन्स एंड टी शर्ट और वो क्यों पहनती हैं दे फाइंड देम कम्फर्टेबल क्योंकि उन्हें उसमें कंफर्टेबल महसूस होता है वो कैसा फ़ील करती है कंफर्टेबल फील करती है इन ड्रेस में जैसे आपने अपने घर पर अपनी बड़ी बहनों को देखा ही होगा कि वो सलवार कमीज चूड़ीदार पजामा जीन्स और टी शर्ट पहनना पसंद करती हैं ताकि वो किस लिए पहनती है वो क्योंकि दीज क्लोथ्स आर कंफर्टेबल फॉर देम सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे and in this module we have discussed that the clothes we wear depend on culture and tradition and we have discussed that in hyderabad and lucknow we find some muslim women wear burqa in kashmir the men and women wear a long wrap rope that is known as Feran. in and in assam women wear mekhla chada and rajasthan women wear ghagra choli and we have discussed different type of turbans in different places and why they wear this type of turban just because to protect their head from the sun heat so, what will you do? You will read this paragraph. Thank you, and have a nice day.